तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या सिंस के नाकामुरा की करियर हो चुकी है खत्म WWE में, और क्या उनका हमें स्मैकडाउन में अब रेसल करते नजर नहीं आएंगे। तो सारे क्वेश्चन का रिप्लाई मैं दूंगा इस वीडियो में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि कल वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें एक सिम्फनी ऑफ डिस्ट्रक्शन मैच देखने को मिला था बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमैन, एलियास वर्सेस शिंस्के नाकामुरा एंड सिजारो के बीच में। तो फ्रेंड्स आपको तो मालूम हो कि इस मैच की किस टाइप से एंडिंग होती है। इस मैच को ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत जाते हैं वो पावर स्लैम लगा के। तो फ्रेंड्स इस मैच की मतलब सबसे खासियत ये बोली कि सबसे और टाइप से एंडिंग ये रहती है कि शिंस्के नाकामुरा को मतलब ये ब्रॉन स्ट्रोमैन अपने पावर स्लैम लगा के इस मैच को अपने नाम कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब ये मैच एंडिंग हो रहा था तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने पावर स्लैम को पियानो पिन को दे दिया था। और फ्रेंड्स पियानो के मतलब पियानो का जो ऊपर वाला ब्लैक कलर का पोर्शन होता है फ्रेंड्स, उस पर मतलब शिंस्के नाकामुरा पे जाके सर लड़ता है और उनका सर फूट जाता है फ्रेंड्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप अभी इमेज में देख रहे हैं कि उनको स्टिचिंग आई है। तो फ्रेंड्स स्टिचिंग का मतलब होता है कि जो टाँका हम लोग को पड़ता है ना फ्रेंड्स, जैसे सर फट जाता है उस टाइप से। तो फ्रेंड्स उनको स्टिचिंग आई है बैक वाले पोर्शन पे। तो जैसे कि फ्रेंड्स मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब उनका तो मतलब लगता है कि हमें उनको कुछ दिन तक मतलब WWE में अपीयरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर स्टिचिंग आ गई फ्रेंड्स बैक पोर्शन में मतलब, तो हमेशा सुपरस्टार तो बैक पोर्शन कहीं से ही गिरते हैं पोजीशन में। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हमें शिंस्के नाकामुरा का अब आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अपीयरेंस देखने को ना मिले। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन का किसके साथ फूट बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स इससे तो शिंस्के नाकामुरा के करियर पे अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इतने खतरनाक मूव मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन अपने लगाए थे शिंस्के नाकामुरा को, और उनकी मतलब स्टिचिंग लग गई है। ये बोली कि मतलब पीछे का सर हल्का सा फट गया। तो फ्रेंड्स देखिए शिंस्के नाकामुरा अपना कब बैकअप करते हैं और कब हमें अपना रिटर्न देखने को मिलता है इनका WWE में। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये प्रोडक्शन सेल्टर न्यूज सबसे पहले अपने चैनल पे देते हैं। तो फाइनली बाय फ्रेंड्स।